हेलो फ्रेंड्स, कोई भी टिप्स या जुगाड़ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से आप हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप्स हमारी इस तरह से आईब्रो पेंसिल को लेकर के है। तो वैसे तो हम इसका यूज़ आईब्रो को फिल करने में करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक टिप्स और दे देती हूँ। तो जब भी आप आईब्रो पेंसिल खरीदें तो हमेशा ब्राउन कलर की खरीदें। इससे क्या होता है, जब आप इसको फिल करेंगे आईब्रो में तो वो आपको नेचुरल लुक देती हैं। अगर आप ब्लैक कलर की खरीदते हैं तो उससे अच्छा नेचुरल लुक नहीं आ पाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बता देती हूँ। कभी कभार मेरा लिप लाइनर खो जाता है तो उस केस में हम इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं लिप लाइनर की जगह पर। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कौन कौन लोग इस तरह से यूज करते हैं आईब्रो पेंसिल को लिप लाइनर की जगह पर। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अगरबत्ती का यूज बहुत ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ। क्या होता है कि जब हम कभी कभार पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती को जलाते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी ऐसी विधि बताने वाली हूँ जिसे आप इसे दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं और आप अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप हम रूम फ्रेशनर खरीदने जाते हैं तो बहुत ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको रूम फ्रेशनर की जगह पर यूज करें तो हमारे बहुत काम आने वाली है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जिस तरह से आप पूजा के लिए जलाते हैं उसी तरह से आप अपने इसको रूम में जला दीजिए और ये आपको रूम फ्रेशनर का बहुत अच्छा काम करेगी। तो आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। अब आप कहोगे इस नेट को तो आप बार बार दिखाती हो, लेकिन क्या करें, इसका इतना अच्छा यूज है कि मुझे बार बार आपको दिखाना पड़ता है। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ और इसके बारे में बताया था, धोने के लिए दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप कपड़े धुलें, धुलने के बाद वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद आप इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों को, सॉक्स हो गया आपका, हैंकी हो गई या फिर मास्क हो गया, इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों को इस तरह से इसमें डाल करके आप हैंग कर देंगे तो बहुत कम जगह में आपके कपड़े इस तरह से सूख जाएंगे। क्योंकि इतने इसमें बड़े बड़े होल होते हैं नेट में जो आसानी से आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से आप रस्सी या तार में आप अपने कपड़े को फैलाते हैं, इस तरह से आपको चिमटी में फंसा देना है, ढेर सारे कपड़े आसानी से आपके सूख जाएंगे। तो आई होप ये भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।